नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। बड़वानी जिले के अधिकांश स्कूलों में शिक्षक ज्यादा हैं और स्टूडेंट नाम मात्र के हैं, जबकि कलेक्टर के आदेश हैं कि प्रत्येक स्कूलों में शिक्षक और विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है, किंतु शिक्षक हैं स्टूडेंट्स नहीं। न्यूज हलचल इंडिया की टीम ने जब शासकीय स्कूलों का निरीक्षण किया तो पाया कि 5 बच्चों को 4 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो कि RTE नियम के तहत एक टीचर पर 30 स्टूडेंट या 25 स्टूडेंट होना अनिवार्य है। RTE 2009 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि प्राथमिक स्कूल में प्रत्येक 1 शिक्षक पर 30 स्टूडेंट होना चाहिए और माध्यमिक स्कूलों में 1 शिक्षक पर 35 स्टूडेंट होना चाहिए, किंतु पार्टी ब्लॉक के ग्राम मगर पार्टी के अधिकांश शासकीय स्कूलों में यही स्थिति है कि वहाँ शिक्षक ज़्यादा हैं और स्टूडेंट्स नाम मात्र हैं। जब टीम ने वहाँ के स्कूल इंचार्ज से बात की तो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग जवाब दिया गया, जबकि जिले के अधिकांश स्कूल हैं शिक्षक विहीन स्कूल हैं। ऐसे स्कूलों में जहाँ पर शिक्षक अधिक हैं वहाँ से शिक्षा विहीन स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था वरिष्ठ कर्मचारियों को करना चाहिए। इंडिया से भीम प्रकाश बोध। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कलेक्टर के सशक्त आदेश है कि मतलब 100% शिक्षकों की और स्टूडेंटों की उपस्थिति शाला में अनिवार्य है। आज हम नवीन शासकीय माध्यमिक विद्यालय मगर पार्टी में आए और यहाँ पर हमने देखा तो 4 स्टूडेंट के साथ 3 शिक्षक मौजूद थे। क्या कारण है कि बच्चे स्कूलों में नहीं आ रहे, हम स्वयं यहाँ के शिक्षक से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कारण है कि जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल में नहीं आ रहे। सर आपका नाम? मेरा नाम संजय मुखाती। हाँ संजय सर, जैसा कि आज हमने देखा कि 3 से 4 बच्चे हैं आपके स्कूल में, क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहे बच्चे? यहाँ पर अधिकतर माता पिता पलायन कर चुके हैं, गुजरात या महाराष्ट्र गए हुए हैं मजदूरी करने के लिए, इसलिए वो अपने बच्चों को भी साथ लेकर गए हैं। और जो कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे और हैं, उनको उनके माता पिता ग्वाली करने के लिए पहुँचाते हैं, इसलिए स्कूल। टोटल स्टूडेंट ऑफ इन द स्कूल कितने स्टूडेंट हैं पूरे? 23 स्टूडेंट हैं और 4 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं आज, तो कहीं ना कहीं 5 स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति रहेगी तो जो शिक्षा का स्तर है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा और बेकार हो जाएगा। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि यदि यही स्थिति रही और यहाँ के लोग बाग पलायन करते गए तो ये शासकीय स्कूलें जितनी भी हैं वो बंद की कगार पर आ सकती है। धन्यवाद। इंडिया से भीम प्रकाश बोध। जैसा कि आज हमने मगर पार्टी जो कि पार्टी ब्लॉक के अंतर्गत आता है उसमें हमने स्कूलों का निरीक्षण किया था, जिसमें अधिकतर स्कूलें ऐसी पाई गई जिसमें मतलब शिक्षक तो उपस्थित है, 1-2 स्टूडेंट के ऊपर 4-4 शिक्षक कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आदेश है शासन के कलेक्टर के कि 100% उपस्थिति स्टूडेंट की भी होना चाहिए और शिक्षक की भी होना चाहिए। शिक्षक की उपस्थिति है किंतु वहाँ पर स्टूडेंट नहीं है, इसका कारण हम पूछने के लिए हम यहाँ के संकुल प्राचार्य से पूछेंगे क्या कारण है कि स्कूलों में उपस्थिति 100% नहीं है। मैडम आपका नाम? मैं श्रीमती मनोरमा सोनी, संकुल प्राचार्य इंद्राड़ा। चूँकि अभी कुछ दिनों से आसपास के इलाके में जो बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है, जैसे मेरे स्कूल में भी आज भी थोड़ी कम है। कारण ये है कि अभी यहाँ पर जो फसलों का कटाई का कार्यक्रम चल रहा है, इसकी वजह से उपस्थिति थोड़ी कम है। लेकिन हम लोग जब भी जहाँ पर भी निरीक्षण के लिए जा रहे हैं तो टीचर लोगों को यही बोलते हैं कि उपस्थिति को बढ़ाने का प्रयास करें, और हमारा भी यही प्रयास है कि उपस्थिति अच्छी रहे। क्योंकि जब हम लोग पूरा टाइम स्कूल में बैठ रहे हैं तो बच्चे भी होना चाहिए और बच्चों में गुणवत्ता का भी विकास होना चाहिए। जैसा कि मैडम ने बोला है कि 100% उपस्थिति अनिवार्य है, होना चाहिए, किंतु उसके लिए सभी शिक्षकों को और जो क्षेत्र के गांव के लोग हैं उनको पहल करना चाहिए जिससे स्कूलों में 100% उपस्थिति रहे और शासकीय स्कूलें इस सुचारू रूप से संचालित रहे। धन्यवाद। सर आपका नाम? जी सर, क्या पूछना है आपका नाम? मानसी चौहान। मानसी जी सर, जैसे कि 2 टीचर हैं, संख्या कम है जी सर, क्या स्थिति? कल तो ऐसे आ गए थे लेकिन बच्चे क्या छोड़ पकड़ करते, कभी माँ बाप गांव में ये फसल काटने का काम कर रहे तो बहुत सारे बच्चे उधर फसल काटने में चले गए, घर घर रखने के लिए कुछ बच्चे गुजरात चले गए। तो इस स्थिति को आपने आगे बताया क्या? नहीं सर, हम घर जाके संपर्क भी कर रहे हैं तो माँ बाप फिर सब बोलते हैं कि अभी फसल कट रही है, उसके बाद दिवाली के बाद में बच्चों को भेजेंगे। बोलते
किंतु सर उनकी पढ़ाई प्रभावित हो गई ना सर? नहीं सर, उनके ऐसा तो ऐसा घर जाके हम होमवर्क दे आते घर जाके, उनको क्या बच्चे अगर घर पे रह रहे तो आप घर पे हम लिख के दे रहे हैं, उसको होमवर्क करके शाम को हम आके आप बच्चों को देखेंगे, होमवर्क चेक करेंगे और रोज जाते हैं सुबह। दर्ज कितने? हाँ दर्ज 38 बच्चे सर। 38 जी। आज प्रेजेंट? आज प्रेजेंट 2 बच्चे और वापस बुला लिए घर माँ बाप, तो 5। जैसा कि सभी शिक्षकों का